देखिए आज हम लोग देखते हैं विंड यानी पवन चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें हम आपको व्यापारी पछुआ और पुरवा के बारे में समझाए थे। ये बीच वाला जो हो गया ये पवन, ये हो गई आपकी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन के ऊपर ये हो गई पछुआ, पछुआ के ऊपर हो गई पुरवा। ये जितनी भी पवने हैं ये धरातल पे चलती है। अब इन तीनों पवन को हम धरातलीय पवन कहते हैं, जो जमीन के पास चलती है। लेकिन जरा सोचिए, हम आपको बताए थे कि विषुवत रेखा से जो पवन ऊपर उठती है लो प्रेशर के वजह से यहाँ पर, तो ये पवने जब ऊपर जाती हैं हवा में तो इनका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। हम आपको बताए थे जब वायुदाब की पेटी बढ़ा रहे थे तो विषुवत रेखा पर गर्मी पड़ने के कारण इसे डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और ये गिरती है 30 से 35 डिग्री अश्वाक्ष के पास। तो आप बताइए ये जब ऊपर उठी तो उसका भी कुछ नाम होगा, आगे बढ़ी होगी तो उसका भी कुछ नाम होगा, नीचे गिर गई होगी तो उसका भी कुछ नाम होगा, और नीचे गिरने के बाद फिर आगे बढ़ी होगी तो उसका नाम होगा। तो उसे हम व्यापारिक पवन कहते हैं जो नीचे गिरी। लेकिन ऊपर उठने वाले को, फिर ऊंचाई पर चलने वाले को, नीचे गिरने वाले को हम कोई नाम नहीं दिए थे। उसी की चर्चा हम करते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण कोष में। जैसे देखिए ये कोई जमीन का सतह है, हम लोग किस हवाओं को फील करते हैं जो सतह पर चलती है। जैसे मान लीजिए ये हवा है, ये सतह है, जमीन है, ये यहाँ पे किसी खड़ा कर दिए, वो छोटुआ खड़ा हो गया, इधर एक छोटिया वो खड़ा कर दिए, छोटुआ छोटिया खड़ा है सब। इनको कौन सी हवा लगेगी? जो ये धरातलीय पवन चल रही है, ये धरातलीय पवन प्रेशर की कमी या फिर टेम्परेचर बढ़ने से ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। तो ये जो नीचे चल रही है इन्हें धरातलीय पवन कहेंगे। इसे कहते हैं ऊपर उठती पवन, उठती पवन, और इसे ऊपरी पवन कहते हैं। इसे हम लोग फील नहीं करते। फिर ये नीचे उतरती है तो इसे उतरती पवन कहते हैं, और हम लोग इसे फील करते हैं केवल इसको नीचे बनी को। तो हम लोग धरातलीय पवन को फेस करते हैं। जैसे लू भी क्या है? धरातलीय है, हम लोग को धरातल पे चलता है। ऊपर वाली पवन को हेलीकॉप्टर, हवा वगैरह, जहाज वगैरह में फील होता है। तो ये चारों का एक समूह बना दीजिएगा तो उसे हम लोग कहते हैं परिसंचरण कोष। परिसंचरण कोष में क्या क्या आएंगे? एक परिसंचरण कोष में आ जाएगा धरातलीय पवन नीचे वाला, फिर उठती पवन ऊपर वाला, उसके बाद ऊपरी पवन जो ऊपर ऊपर चल रही है, उसके बाद से उतरती पवन जो नीचे आ गई। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर तीन प्रकार के कोष होते हैं, हेडली कोष, फेरल कोष और पोलर कोष यानी ध्रुवीय कोष होते हैं। तीन प्रकार के कोष होते हैं। तो देखिये कोष कितने हो गए? तीन, हेडली कोष, फेरल कोष और पोलर कोष। तीन प्रकार के कोष हो गए। अब इन कोष के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कौन सी कोष कहाँ पर बनती है और इसके बनने का कारण क्या है। देखिए आप सबको पता है, हम बेल्ट में पढ़ा दिए, प्रेशर बेल्ट में, कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से एक पवन इधर की ओर ऊपर उठ रही है, इधर की ओर। एक काम करते हैं, हम लोग किसी एक ओर का पैटर्न पढ़ लेते हैं, दूसरी ओर तो सेम रहता है क्योंकि पृथ्वी दो बराबर गोलार्ध में बटी हुई है। तो यहाँ से कुछ हवाएं ऊपर उठी तो कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, तो ये ऊपर उठती पवन होगी। अब ये वायु क्षोभ मंडल के ऊपर नहीं जा पाती है तो आगे बढ़ेगी तो ये ऊपरी पवन हो गई। अब ये जब अश्वाक्ष के पास पहुंचती है तो नीचे उतरने लगती है क्योंकि ठंडी हो जाती है और कोरियोलिस बल लगता है। कोरियोलिस बल बता चुके हैं जस्टिस के पहले वाले वीडियो में, घूर्णन के कारण एक कोणीय बल लगता है जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं कोरियोलिस बल बढ़ेगा या घटेगा, तो ऊपर जाने से कोरियोलिस बल बढ़ने लगता है और ये हवाएं नीचे उतर जाती है। इसमें हम आपको प्रेशर बेल्ट में पढ़ाए थे, जब नीचे उतरती है तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा देती है या हाई प्रेशर हो जाता है, उसके बाद यह हवा इधर की ओर चल देती है। तो ये जब इधर चलती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये व्यापारी पवन कहते हैं। लेकिन फेरल ने क्या कहा था? व्यापारी पवन दाहिनी ओर मुड़ती है, इसका मुंह नीचे है, इसलिए इसका दाहिना ओर अगर देखेंगे तो इसका दाहिना ओर इस साइड में हो गया। तो ये जब नीचे उतरी, दाहिने मुड़ गई थी, ये व्यापारी हो गई, और ये उठती पवन, ये ऊपरी पवन, ये नीचे उतरती पवन। आप बताइए यहाँ पे भी तो एक कोष यानी सेल का निर्माण हो गया। जैसे यहाँ समझाते हैं एक सेल में चार तरह की वायु होती है। हम लोग किसको फील करते हैं? तो धरातलीय वायु को हम लोग धरातलीय। तो ये वाला जो पहला जो होता है व्यापारिक पवन में, उससे वो हेडली कोष होता है। कौन सा कोष? हेडली कोष। कैसे होगा वो? तो व्यापारिक पवन हेडली कोष में क्या होगा? विषुवत रेखा के पास की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, हमें फील नहीं होंगी। फिर ऊपर वो आगे बढ़ेंगी, हमको फील नहीं होंगी। फिर वो नीचे उतरेंगी अश्वाक्ष के पास, वो भी फील नहीं होगा। हाँ, वहां पर प्रेशर जरूर बढ़ा देंगे। जब आगे बढ़ने लगेंगी तो वो फील होता है, हमें व्यापारिक पवन उसे कहते हैं। फेरल के नियम का पालन करके दाहिनी ओर मुड़ जाती है क्योंकि इसका मुंह नीचे है, दाहिना इधर होगा। तो ये पहला सेल हो गया। एक नंबर सेल को हम क्या कहेंगे? हेडली सेल। हम यहां नंबर कोड कर दिए हैं, एक हेडली सेल होता है। क्वेश्चन पूछेगा हेडली
दिल्ली सेल कहाँ पाया जाएगा? तो आप कह सकते हैं व्यापारी कौनों की पेटी में, जहां व्यापारी कौन है वहां नहीं। तो इसको घुमा के पूछेगा, तो आपको हम बता दिए हैं पहले वीडियो में कि कहां बताएंगे, तो ये बता सकते हैं अस्वच्छ तथा विश्वत रेखीय निम्न दाब की ओर। उच्च अस्वच्छ में उच्च होता है, अस्वच्छ तथा विश्वत रेखीय निम्न दाब के बीच में हमारा कौन सा कोष बनता है? हेडली कोष बनता है। अब उसी तरह से हम देखते हैं फेरल कोष कहाँ बनता है और पोलर कोष कहाँ बनता है। देखिए हेडली कोष को प्रत्यक्ष कोष भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ऊष्मा के कारण बना है। ऊष्मा यहाँ से गर्म हुआ है और गर्म होने के कारण ये हवाएं उठी थी, तो डायरेक्ट ऊष्मा के कारण अगर कोई कोष बनता है तो उसे प्रत्यक्ष कोष कहते हैं। अब फेरल के नियम को हम लोग पढ़ते हैं, फेरल कोष किसे कहते हैं? तो देखिए फेरल कोष कहाँ से उत्पन्न होते हैं सब? तो ये उत्पन्न होता है उपध्रुव से, ध्रुव से नहीं होगा और ना ही अस्वच्छ से, उपध्रुव से होगा। जब भी ये कोष उत्पन्न होंगे ना तो ये लो प्रेशर के पास उत्पन्न होंगे, हमेशा ये कैसे कहा होंगे लो प्रेशर के पास में ही उत्पन्न होंगे। तो यहाँ उपध्रुव पे लो प्रेशर है, यहाँ जैसे यहाँ पे हवाएं गर्म होके कुछ इधर गई कुछ उधर गई, उसी तरह से ये लो प्रेशर के पास भी यहाँ पर हवाएं आपस में टकरा कर ऊपर उठी। अब आप बताइए ये तो टकरा कर उठी है, प्रत्यक्ष तो होगा नहीं अप्रत्यक्ष होगा, तो यहाँ टकरा कर उठी तो कुछ हवाएं इधर गई और कुछ उधर गई। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ये टकरा कर ऊपर उठेंगी तो क्या कहेंगे? उठती पवन। अब ऊपर ऊपर जब आगे बढ़ेंगी तो इसे कहेंगे हम लोग ऊपरी पवन, फिर ये नीचे उतर जाती है तो नीचे उतरती पवन, और ये आगे की ओर फील होने लगती है। अब आप बताइए ये तो सीधे जाएगी नहीं, फेरल ने क्या कहा था? उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी मुड़ती हैं। अब आप बताइए ये मुंह उसका ऊपर दाहिने ऐसे हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? पछुआ पवन। तो पछुआ पवन ये हो गया। तो इस कोष को यहाँ जो पर्टिकुलर कोष बन रहा है, एक कोष का ये सेल बन रहा है, इस सेल को हम लोग कहते हैं फेरल सेल। फेरल सेल कहाँ बनता है? तो फेरल सेल बनता है पछुआ पवनों की पेटी में। अगर कह देगा कहाँ से कहाँ के बीच में, तो उपध्रुव से लेकर अस्वच्छ के बीच में, उत्तरी गोलार्ध में भी उपध्रुव से लेकर अस्वच्छ के बीच दक्षिणी गोलार्ध में बनता है। तो ये बन गया फेरल कोष। फेरल कोष ऊष्मा के कारण नहीं बना बल्कि हवाओं के टकराने के कारण बना, अतः फेरल कोष को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कोष के नाम से जानते हैं। समझ आ गया आपको ये फेरल कोष। अब इसके बाद देखिए अब तक देखते हैं पोलर कोष, ध्रुवीय कोष क्या होता है? पोलर कोष। अब इसमें देखिए जो हवाएं यहाँ से टकरा कर इधर आई थी, यहीं से कुछ हवाएं ऊपर की ओर, कुछ हवाएं ऊपर की ओर गई और ये ऊपर ऊपर जब निकली तो ये हवाई जहाज को केवल फील होगा, तो ये ऊपरी पवन हो गई, ये नीचे उतरेगी, उसके बाद से ये धरातल की ओर चलने लगी, ये तो ये हमको फील होगा। अब आप बताइए ये फेरल के नियम का पालन करेगी, मुंह नीचे है बाया इस साइड होगा तो ये इस साइड मुड़ जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्वा पवन। तो ये हो गया ऊपर वाला सेल, इस सेल को कहते हैं पोलर सेल। पोलर सेल कहाँ रहेगा? तो पूर्वा पवन की क्षेत्र में। तो पूर्वा पवन के क्षेत्र में मिलेगा आपका पोलर सेल, पछुआ पवन में मिलेगा फेरल सेल और व्यापारिक पवन में मिलेगा हेडली सेल। अब एक चीज ध्यान से देखिए, व्यापारिक पवन ये धरातल पे हो गए, इस धरातल के एकदम ऊपर जो ऊपरी पवन है इसे हम प्रति व्यापारी कहते हैं। ये हो गई पछुआ, इसके एकदम ऊपर जो रहेगा उसे प्रति पछुआ कहते हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, धरातल पे जो व्यापारिक पवन है जब ये ऊपर उठती है तो ये तो ऊपरी हो गई, ऊपरी पवन और धरातलीय पवन में दो पवनों के अंतर है, ये नीचे उतरती ये ऊपर उठती, तो व्यापारी पवन की पेटी के ठीक ऊपर वाली पवन को हम लोग प्रति व्यापारी कहते हैं, पछुआ पवन के ठीक ऊपर वाले को हम प्रति पछुआ, उसी तरह पूर्वा के ठीक ऊपर वाले को प्रति पूर्वा के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग वायुमंडलीय कोष देखिए, वायुमंडलीय परिसंचरण के कोष हो गए। वायुमंडलीय परिसंचरण के कोष की संख्या कितनी होती है? तीन होती है। समझ आ गया आप लोग को? आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम जेट स्ट्रीम समझा देते हैं। देखिए अब हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं, जेट धारा या जेट स्ट्रीम के बारे में। स्ट्रीम क्या चीज होता है? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, थोड़ा सा मजबूरी समझिए। लॉकडाउन में ना क्या हो रहा है, खुद से वीडियो बनाना पड़ रहा है, इस वजह से क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जा रही है। अब कुछ लोग के मोबाइल में अगर क्वालिटी बढ़ाने की व्यवस्था होगी तो इधर देखिएगा, टीम टू टिकुली बनाया होगा आपके मोबाइल में, बिंदु टीम टू, उसको दबाइएगा, उसमें कॉलम खुलेगा, उसमें क्वालिटी रखा होगा, उसको बढ़ा लीजिएगा आप लोग तो अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन की प्रॉब्लम से उतनी क्वालिटी हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाएंगे तो फिर वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसकी मतलब 2-3 GB का हो जाएगा, फिर लोड होने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप समझिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करने का, लेकिन आप खुद फेस कर रहे होंगे लॉकडाउन के समय प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या होती है, स्ट्रीम किसे कहते हैं? बहुत ही तेज गति से चलने वाली हवाओं को हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। तो ये स्ट्रीम
होती है जेट स्ट्रीम, इसकी गति बहुत ज्यादा होती है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सोचिए जहाज की स्पीड से चलती है ये हवाएं, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, मतलब धरातल से बहुत ही ऊंचाई पर पाई जाती है। धरातल से ऊंचाई पर हम लोग वायुमंडल की 5 परतें होती है, सबसे निचली परत का नाम होता है क्षोभ मंडल। इन परतों के बारे में डिटेल से चर्चा जब हम वायुमंडल पाएंगे तब करेंगे। तो हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल, जिसकी अधिकतम ऊंचाई होती है 14 किलोमीटर। तो ये क्षोभ मंडल की एकदम ऊपरी सीमा पर चलती है। तो इसका उत्पत्ति कब होती है, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर उत्पत्ति होती है। इसलिए देखिएगा, आप जब हवाई जहाज में बैठिएगा ना, तो हवाई जहाज सीधे टेक ऑफ करके ऊपर ले जाता है, और आपको पता है कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, इसलिए पायलट को पता है इसमें रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ तनाव भाव लगा ही रहेगा, इसलिए भाग जाता है। कहां पे? तो ये भागता है सीधे समताप मंडल में, लेकिन समताप मंडल में प्रवेश करने से पहले इसको झेल के जाना पड़ता है ये जेट स्ट्रीम को। जेट स्ट्रीम की चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, अतः इस चाल को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जहाज में कंपन उत्पन्न होता है। तो आप जहाज में बैठिएगा ना, तो पायलट अनाउंस करता है कि जहाज टर्बुलेंस से गुजर रहा है, आपके कृपया सीट की पेटी बांध ले, बेल्ट मारने के लिए बोलता है। उस समय जहाज हिलने लगता है, आप बैठिएगा जहाज की तरफ से कंपन करेगा, डर जाएंगे लोग शुरू शुरू में, फर्स्ट टाइम जाइएगा तो डर लगने लगता है, सबको लगता है, क्योंकि वो जेट हवाओं को पार कर रहा होता है। तो इसकी उत्पत्ति क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर होती है। इसकी दिशा बहुत बार पूछता है, इसकी दिशा हमेशा पश्चिम से पूरब होती है। क्यों पश्चिम से पूरब होती है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रही है। पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी किधर से घूर्णन करती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तभी तो पूरब से हमको सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है। तो पश्चिम से पूरब इसकी दिशा जब भी होगी तो पश्चिम से पूरब, ये कहां उत्पत्ति होगी? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे 8 से 12 किलोमीटर, ये इसकी दिशा पश्चिम से पूरब क्यों होती है? क्योंकि घूर्णन के कारण। दिशा समझ गए, इसकी चाल देख लेते हैं, 250 किलो 240 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती है। इसका जो खोज हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध में, वार सेकंड भी बोला जाता है द्वितीय विश्व युद्ध को, यूएस एयरफोर्स द्वारा। कैसे हुआ था? तो देखिए, यूएस एयरफोर्स जापान में बम गिराने गई थी, तो पूरब से पश्चिम गई थी, जबकि इस दिशाओं की थी, जबकि इसकी जो दिशा होती है पश्चिम से पूरब होती है। तो जेट स्ट्रीम से जब वो लोग गए, लोग हवाई जहाज, अमरीकी वायुसेना के हवाई जहाज, तो बहुत ऊंचाई से जा रहे थे, अचानक उनको फील हुआ ना कि हमारी जहाज की रफ्तार धीमी क्यों हो गई भाई। तो उनको लगा ना कि जापान लगता है कोई बड़का सा चुंबक लगाया है नीचे, वो खींच लिया जापान जहाज, मेरा भागी नहीं जा, पूरा दबा के भाग रहा है, दम लगा रहा है, एस्केलेटर हिल रहा है, भागे जहाज तब तो, क्योंकि क्यों नहीं भाग रही थी, क्योंकि इधर से जहाज आ रहा था, इधर से जेट स्ट्रीम आ रही थी, हवाएं आ रही थी। अब हवा के विपरीत आप भी साइकिल चला होंगे गर्मी के दिनों में, देखिएगा उल्टा चलिएगा तो लू ढकेलता है, तो साइकिल ही नहीं चल पाती है। तो इस तरह से अमरीकी वायुसेना को बहुत जिद्दोजहद करना पड़ता था। लेकिन जब जैसे ही वो लोग इस 1.5 किलोमीटर मोटी परत में चलती है, ये जो जेट स्ट्रीम होती है लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत में चलती है, इसमें जो जहाज फंस गया अगर उल्टा दिशा में तो स्पीड घटा देगा, और सीधा दिशा में फंस गया तो उसको बहुत तेज स्पीड कर देगा। तो अमरीकी वायुसेना के पायलटों ने देखा कि इसी दूरी के बीच में ये हवाएं चल रही हैं, क्योंकि इन हवाओं की गति जेट की तरह थी, जहाज की तरह था, इसका नाम जेट स्ट्रीम किया गया। तो इसका खोज आप समझ गए, इसका आकार सीधा नहीं होता, ये हवाएं एकदम सीधे नहीं चलती है, ये ऊपर नीचे लहर के समान चलती है। तो अतः इन्हें लहर के समान या नदी के समान या सरिता कहते हैं, आकार कहेगा तो सरिता या नदी के समान ऊपर नीचे चलती है। अब इसकी जो लहर होती है, तो लहर की अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम गहराई को आयाम कहते हैं। जैसे ये ऊपर गया तो ये इसका आयाम है, नीचे गया तो भी आयाम है, अब दोनों को मिला देंगे तब तरंग होता है। तो ये लहर नुमा बनती है तो इसका आयाम कितना होगा, अब आप अंदाजा लगाइए इसका आयाम, मतलब ये तरंग एक बार उठी ना यहां से, तो उठने के बाद जब बैठेगी तो इतना दूर में ये 6500 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। सोचिए इसका आयाम कितना बड़ा होता है, अत्यधिक बड़े आयाम के कारण पूरे पृथ्वी को अगर आप देख लेंगे तो पूरे पृथ्वी पर एक साथ केवल 7 ही जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो सकती है। क्यों उत्पन्न होती है, इतनी कम क्यों उत्पन्न होती है इतने बड़े पृथ्वी पर? क्योंकि इनका आयाम बहुत बड़ा होता है, ये सरिता के समान होती है। ये इस चीज को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ए से दिखाते हैं आयाम, इसका आयाम जो होता है 600 मतलब 6500 किलोमीटर होता है, ये बहुत लंबी होती है, ये पूरे पृथ्वी पर चलती है पश्चिम से पूरब। विषुवत रेखा के पास चलेगी तो उसे कहेंगे विषुवत रेखीय जेट, थोड़ा सा उससे ऊपर चलेगी अश्वर्ष से ऊपर तो उसे कहेंगे शीतोष्ण जेट, और ध्रुव के पास चलेगी तो उसे कहेंगे ध्रुवीय जेट। आप जानते हैं विषुवत रेखा के पास व्यापारिक पवन चलती हैं, अतः इन्हें व्यापारिक जेट भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवन चलती है,
और ध्रुवीय क्षेत्र में यानी पूर्वा पोल में चलती है। कहेगा इन तीनों प्रकार के जेट में सबसे खतरनाक जेट कौन सा होता है, तो शीतोष्ण जेट सबसे खतरनाक होता है, अर्थात उसे हम पछुआ जेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे बीचों बीच में रह गया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषुवतरेखीय, थोड़ा ऊपर गया तो उसे कहेंगे शीतोष्ण, एकदम ऊपर गया तो ध्रुवीय, यानी बीच वाला। पछुआ जेट सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो जेट के बारे में समझ के इसमें हम ज्यादा टिक लगा दिए ताकि आपको समझ में आए। तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में ये हो गया। ये किस मंडल में पाई जाएगी, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पाई जाएगी, ये समझ गया। तो ये पीटी एग्जाम में पूछता है प्रीलिम्स में, लेकिन जब मेंस में जाएंगे ना तो जेट वायु धारा के चारों स्टेज के बारे में पूछ देता है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टेज के बारे में समझना। तो चलिए हम लोग समझते हैं जेट स्ट्रीम की स्टेज, स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम। देखिए जेट स्ट्रीम के स्टेज को देखते हैं, ये बीचों बीच से एक रेखा खींच दी हम विषुवत रेखा। अब एक ई और देखते हैं हम लोग विषुवत रेखा के ऊपर में, एक्चुअली ऊपर वाला एरिया थोड़ा सीधा होता है समझाने में, सेम चीज तो नीचे भी होते हैं, वो थोड़ा सा समझाना थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध का उल्टा होता है। तो ये हम लोग उसको ये दिखा दिए हम लोग, आपका जो ये सरिता के आकार के बताए हैं ये जेट स्ट्रीम है। पहले स्टेज में इसका आयाम बहुत बड़ा रहता है। अब आप बताइए ऊपर की ओर का एरिया ठंडा होगा, नीचे के एरिया गर्म होगा। तो ऊपर हमने लिख दिया ठंडा, ठंडा को हम दिखाए हैं, लिखने का जगह नहीं था इसलिए हम लोग खाली ब्लैंक त्रिभुज से हम इसको दर्शा दिए हैं। जबकि नीचे का एरिया गर्म होगा, आप जानते हैं क्योंकि नीचे का एरिया विषुवत रेखा के पास होगा, तो इसके नीचे का एरिया गर्म होगा, हम उसको कलर्ड ट्रायंगल से दर्शा दिए हैं। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, इस जेट स्ट्रीम के ऊपर का एरिया ठंडा और नीचे का एरिया गर्म होता है। ये आप स्टेज फर्स्ट समझ गए, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसी में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। अब स्टेज सेकंड देखते हैं। स्टेज सेकंड में क्या होता है ना, ये एकदम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है, ये जेट स्ट्रीम करीब आने लगती है। जब ये करीब करीब आने लगती है तो इसमें सिकुड़न उत्पन्न होता है। अब ये सिकुड़न आप देख रहे होंगे इमेज में, देखिए ये सिकुड़न थोड़ा ज्यादा उत्पन्न हो गया है, सिकुड़न ज्यादा हो गया। अब जब सिकुड़न ज्यादा हो गया तो अंदर की हवा इधर घुस गई और ऊपर वाला ऐसे घुस गया, तो क्या होता है कि जो ठंडा वाला एरिया है वो नीचे आया थोड़ा और जो गर्म वाला एरिया है थोड़ा ऊपर गया। तो आप देखिए ये कलर ट्रायंगल जितनी ऊंचाई पर है ये उतना ही पे है, ये ब्लैंक ट्रायंगल जितने पे ये कलर्ड है, यानी जो ठंडा वाला एरिया था और जो गर्म वाला एरिया था वो एकदम एक तरह से कहिए तो समानांतर आ गया। ये जेट स्ट्रीम क्या की कि ऊपर की ठंडा एरिया को नीचे ले आ दिया और नीचे के गर्म एरिया को ऊपर ले आ दिया, तो मिक्स कर दिया एक तरह से। तो कहेगा मेंस में पूछेगा, एक बार पूछा था ये क्वेश्चन कि जेट स्ट्रीम के किस अवस्था में गर्म एवं ठंडे क्षेत्र समानांतर हो जाते हैं। तो देखिए एकदम समानांतर एक आमने सामने हो जाते हैं, एक कतार में हो जाते हैं। तो ये कतार में कब हो जाते हैं वो, ये सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जेट स्ट्रीम और करीब करीब आ जाता है तो इसका जो विसर्प बनता है वो और ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए गर्म क्षेत्र जो हो गया वो अंदर घुस गया ऊपर की ओर और ठंडा क्षेत्र नीचे की ओर आ रहा है, अर्थात यह जेट स्ट्रीम इस ठंडे क्षेत्र की पहुंच को विषुवत रेखा की ओर पहुंचा दिया और इस गर्म क्षेत्र को ध्रुव की ओर पहुंचा दिया। अतः इसमें क्या होगा कि गर्म क्षेत्र चला जाएगा ऊपर की ओर, गर्म क्षेत्र कहाँ चला गया, ये ऊपर की ओर चला गया ये गर्म क्षेत्र, और ये जो गर्म क्षेत्र ऊपर चला गया और ये ठंडा क्षेत्र कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो गर्म क्षेत्र कहाँ चला गया, ऊपर, और ठंडा क्षेत्र कहाँ आ गया, नीचे। ये किस स्टेज में होगा, तो थर्ड स्टेज में। ये देखिए ये बहुत अच्छे स्टेज होते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। अब आप कल्पना कीजिए अगले स्टेज में क्या होगा, अगले स्टेज में ये और करीब करीब आएंगे तो ये जो विषुवत रेखा की गर्म क्षेत्र इसके माध्यम से जो अंदर घुसा था वो एकदम अंदर घुस जाएगा और जो ऊपर का ठंडा क्षेत्र नीचे घुसा था एकदम नीचे हो जाएगा और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, एक दूसरे से क्या जाएंगे, कट जाएंगे। तो गर्म क्षेत्र चला गया ऊपर और ठंडा क्षेत्र चला गया नीचे, तो चौथे स्टेज में ना एकदम मिक्स हो जाता है, ऊपर का एरिया क्या हो जाता है गर्म और नीचे का एरिया ठंडा हो जाता है। तो ये जेट स्ट्रीम देखिए कितना अच्छा काम किया, ये नीचे के गर्मी को ऊपर फेंक दिया, ऊपर की ठंडक को नीचे ले आ दिया। इससे पूरा पृथ्वी पर एक जीवन की संभावना के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है कि विषुवत रेखा के लोग भी गर्मी से मरते नहीं है
और ध्रुव के पास के भी लोग ठंड से मरते नहीं है। तो ये जेट स्ट्रीम की ये चार अवस्थाएं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए एक बार और देखते हैं। जेट स्ट्रीम सरिता यानी नदी के समान बहती है, ऊपर का एरिया ध्रुव के करीब है, नीचे का एरिया विषुवत रेखा आपका नीचे वाला गर्म ऊपर वाला ठंडा। सेकेंड स्टेज में ये तरंग थोड़ी लंबी लंबी हो जाती है, ऐसे ज्यादा करीब आ जाती है तो गर्म क्षेत्र थोड़ा और अंदर ऊपर पहुंच जाता है, ठंडा क्षेत्र थोड़ा नीचे आ जाता है। अगले स्टेज में क्या होता है, गर्म और ऊपर चला गया, ठंडा और नीचे चला गया। चौथे स्टेज में ये एकदम ध्रुव तक पहुंच गया, ये एकदम विषुवत रेखा तक पहुंच गया। तो ये जेट स्ट्रीम का चारों अवस्थाएं थी। आई होप आप समझ गए होंगे जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून पर भी प्रभाव डालते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम भारतीय मानसून में करेंगे। ये पश्चिमी विक्षोभ को भारत तक ले आने में मदद करते हैं। तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है ये भारत के मानसून में समझेगा।